अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद रिजवान फिर आपके लिए आपकी बारगाह में एक नुस्खा लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हर रोज़ जैसे कि आपसे नए नुस्खे के साथ मुलाकात होती है, आज भी बहुत अच्छा और सस्ता नुस्खा मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आज का ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनको, जिस बीमारी को हैज़ा बोलते हैं, हैज़े की बीमारी के लिए। अगर किसी को हैज़े की बीमारी हो जाए तो उस बीमारी को दूर करने के लिए ये एक ऐसा नुस्खा मैं दे रहा हूँ। मैं गोली बनाने का पूरा तरीका आपको बताऊँगा, इंशाल्लाह हैज़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, तो आइए नुस्खे की तरफ आपको लेके चलूं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नुस्खा सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, जब हैज़ा शुरू हो, यानी दस्त, एक दो दस्त आ चुके हों और एक दो पलटी आ चुकी हो, तो उस वक्त में इस दवाई का इस्तेमाल करा दें। इंशाल्लाह ऐसे टांका लग जाएगा और हैज़े की बीमारी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये बीमारी एक ख़तरनाक बीमारी है जिससे हर कोई वाकिफ़ है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। हैज़े की बीमारी के ताल्लुक़ से हर नादान से नादान इंसान भी हैज़े की बीमारी के ताल्लुक़ से उसको पता है और ख़ूब अच्छे से जानता है। तो नाज़रीन, सिर्फ़ मैं इसका इलाज बता देता हूँ आपको। इसमें लेना क्या है, लाल मिर्च के बीज, ले लें आप एक तोला, हीरा हींग एक तोला, काफूर देसी एक तोला, अफीम खालिस दो तोला, बस ये आपका नुस्खा मुकम्मल हो गया। अब इसको बनाने की तरकीब आप सुन लें और जान लें कि इसकी गोलियां हमें किस तरह से तैयार करनी है। नाज़रीन, जो लाल मिर्च के बीज आपने ले रखे हैं उनको पानी में डाल लें, पानी में डाले रहें और फिर उनको इस कदर घोटें कि वो बिल्कुल मोम की मानिंद हो जाएं। उसके बाद आप इसमें हींग डालें और फिर दोबारा घोटें खूब अच्छे से। उसके बाद जो है आप इसमें अफ्यून डाल दें और फिर घोटें, आप घोटते रहना है, फिर ये गोली बनने के मानिंद हो जाएंगी। अब आप जो है ये तीन तरह की गोलियां बना के रख लें। नंबर एक, चने के बराबर गोली बनाएं। नंबर दो, मूंग के दाने के बराबर गोली बनाएं। और नंबर तीन, दानाए माश के बराबर गोली बनाएं। ठीक है, जो चने के बराबर गोलियां हैं वो जवान लोगों को दी जाएं एक एक गोली, और जो दानाए माश के बराबर हैं वो कुछ कमज़ोर लोगों को दी जाएं, और जो मूंग के दाने के बराबर गोलियां आपने तैयार कर रखी हैं वो छोटे बच्चों को माँ के दूध में घिस के दी जाएं, और बाकी लोगों को पानी से ये गोली दें। इंशाल्लाह हैज़े की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, दस्त कै वग़ैरह ये रुक जाएंगे और कमज़ोरी भी आपके अंदर नहीं आएगी। ये मैंने आज आपको हैज़े के ताल्लुक़ से बहुत बहुत अच्छा और ज़बरदस्त नुस्खा आप तक पहुंचा दिया है। नाज़रीन, मैं इसी तरह के रोज़ाना नए नुस्खे जात आप तक पहुँचाता रहता हूँ। प्लीज़, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का भला हो जाए। और आपसे ये भी मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाला नुस्खा जो लेके मैं आता हूँ वो सबसे पहले आपको मिल जाए। इंशाल्लाह फिर ऐसे ही किसी अच्छे नुस्खे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।